हारने वाले को बाजीगर नहीं कहते, जीतने वाले को भी बाजीगर नहीं कहते, लेकिन हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इंसान कामयाब हुआ है, अगर उसने उससे पहले बहुत सी स्ट्रगल देखी है, चुनौतियों का सामना किया है, बहुत से फेलियर जिंदगी में आए हैं, तो यकीन मानना उसके पास वो लर्निंग और वो विजडम होता है जो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हासिल नहीं किया जा सकता। मैं अनुराग ऋषि, एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और एक ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर हूं, और आज मैं बात करूंगा नाकामयाबी, फेलियर और स्ट्रगल से मिलने वाले वो लेसन्स के बारे में जो किसी भी इंसान की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं ड्रास्टिकली। लास्ट वीडियो मैंने बनाया असफलता का सच, और इसमें मैंने आपको 6 ऐसे लर्निंग्स बताई, ऐसा विजडम बताया जो फेलियर से ही सिर्फ इंसान को मिलते हैं, बिना उसके नहीं मिल सकता। मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊं तो कमेंट कीजिए। आपने भर भर के उस वीडियो पर प्यार दिया और ढेर सारे कमेंट्स किए, इसलिए मैं लेकर आया हूं इस वीडियो का सेकंड पार्ट, और बताऊंगा कि कौन सी वो चीजें हैं जो इंसान को, स्ट्रगल करने वाले को, फेलियर देखने वाले को ही मिलती है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है नॉलेज। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, नॉलेज, नॉलेज तो सबके पास है। बिल्कुल गलत, 90% लोगों के पास आज नॉलेज नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। नॉलेज इज समथिंग एल्स, इट्स फ्रॉम सम अदर डायमेंशन। नॉलेज का मतलब है ज्ञान, और इंफॉर्मेशन का मतलब है जानकारी। क्या कभी आपने सुना है कि पहले ऐसा कहा जाता था कि गुरु को ज्ञान होता था? क्या कभी आपने सुना है ऐसा कहा गया हो कि गुरु को जानकारी थी? नहीं, गुरु को ज्ञान होता था। मैं जानता हूं कि नॉलेज के लिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, लेकिन इंफॉर्मेशन को जब इंप्लीमेंट किया गया हो, रियल जिंदगी में उस पर एक्शन लिया गया हो, उसको कॉन्कर किया गया हो, तब कहीं नॉलेज का जन्म होता है। जब इंफॉर्मेशन में एक्सपीरियंस ऐड होता है, इंप्लीमेंटेशन ऐड होती है, तब कहीं नॉलेज का जन्म होता है, विजडम का जन्म होता है। इसीलिए जो इंसान लाइफ में स्ट्रगल करता है, फेलियर देखता है, चुनौतियों का सामना करता है, दौड़ भाग करता है, उसके पास रियल नॉलेज होती है। इंफॉर्मेशन आज रोज सुबह व्हाट्सएप पर ही इतनी भर भर के आ जाती है। आपको हर इंसान बता देगा कि जी स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत धक्के मिलते हैं, लोगों की मत सुनो, इसकी मत सुनो, ये काम करो, वो करो। हर एक के पास इंफॉर्मेशन है। अगर आप एक इंसान से पूछते हैं कि जी दिल्ली से जयपुर जाना है कितनी दूर है, तो वो फट से गूगल खोलकर आपको बता सकता है कि दिल्ली से जयपुर अप्रोक्सीमेटली 273 किलोमीटर होगा। आप चेक करें ही आएगा, और ये इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है। लेकिन जिसने उस रोड पर, उस जगह पर धक्के खाए हैं, उसको बार बार एक्सपीरियंस किया है, वहां पर स्ट्रगल की है, तो वो इंसान आपको बता सकता है कि जी दिल्ली से जयपुर हो सकता है 272, 273, 274, 275 इसके आसपास हो, लेकिन एक काम करना, जब भी दिल्ली से निकलना, बहुत टाइम से निकलना सुबह सुबह, तब आप दिल्ली और गुड़गांव में मिलने वाले जैम को अवॉइड कर सकते हो, रश को अवॉइड कर सकते हो। रास्ते में बहुत बढ़िया खाना मिलेगा किंग पर, लेकिन अगर बिल्कुल सेंटर में भूख लगे, रास्ते में सेंटर पॉइंट पर रुकना चाहो, तो बहरोड एक अच्छी जगह है, वहां पर आपको मिडवे मिल सकता है। आप जब जयपुर पहुंचेंगे तो आमेर रोड को अवॉइड करना, बाईपास से निकल जाना। वो आपको हर वो जानकारी दे सकता है जिसने कभी वहां ट्रेवल किया हो, जिसने वहां रोड पर धक्के खाए हो, लेकिन जिस इंसान ने कभी भी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, वो आपको ये बता सकता है कि ये जीपीएस है, ये 273 किलोमीटर है। क्या आपको मालूम चला इंफॉर्मेशन और नॉलेज का डिफरेंस? जिस इंसान ने जिंदगी में स्ट्रगल की है, फेलियर देखा है, उसके पास रियल नॉलेज है, उसने चीजों को इंप्लीमेंट किया है। आप जानते होंगे, अगर आपने जिंदगी में बहुत सी स्ट्रगल देखी है, तो आप जानते होंगे आपको चीजों का असली ज्ञान है, इंफॉर्मेशन नहीं है। वैल्यू फॉर मनी तो बहुत बार सुना होगा, आज बताऊंगा वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की कद्र। जिस इंसान ने स्ट्रगल की है, फेलियर देखा है, उसको पैसे की कद्र करनी आ जाती है, क्योंकि 80-90% फेलियर्स में, स्ट्रगल में पैसा इन्वॉल्व होता है। आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया होता है, आपने बहुत ज्यादा पैसा या तो लॉस किया होता है, या बहुत ज्यादा पैसा किसी चीटिंग में चला गया होता है। 80-90% केसेस में ऐसा होता है। अगर आपने स्ट्रगल की है, तो आप जानते होंगे कि पैसे की वैल्यू, पैसे की कमी उस दौर में बहुत ज्यादा आ जाती है, और तब पता चलता है कि इसकी पैसे की कीमत कितनी है, क्योंकि वो चीज कम होने लगती है जिंदगी में, और जो चीज कम होती है, हमें वैल्यू ही उसकी पता चलती है। ये इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रूल है, डिमांड सप्लाई का। आप देखो, ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं, इसकी हमें कोई वैल्यू नहीं पता। 2 मिनट के लिए अपना नाक बंद करके देखो, आपको लगेगा धरती पर सबसे जरूरी चीज ही ऑक्सीजन है। एक इंसान को ऑक्सीजन चाहिए और उसको मिल नहीं रही हो, तो वो अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी, सारा पैसा खर्चने को तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो उसकी कीमत जानता है। पैसे की कीमत उस इंसान को बहुत अच्छे से पता है जिसने स्ट्रगल किया है, जिसने फेलियर देखा है। जिसने फेलियर नहीं देखा, जिसने स्ट्रगल नहीं किया, वो शायद, आप बेहतर बता पाएंगे कमेंट करके मुझे नीचे, कि शायद वो इंसान पैसे की उतनी वैल्यू, उतनी कदर नहीं कर पाता
जितनी कि एक स्ट्रगलर, एक फेलियर जिसने चुनौतियों का सामना किया हो वो कर पाता है। थर्ड पॉइंट, मल्टी टैलेंटेड। जो इंसान स्ट्रगल करता है, फेलियर भरे दिन देखता है, वो मल्टी टैलेंटेड इंसान हो जाता है। आपको सच बताऊं तो मैं जब स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाने शुरू किए तो कैमरामैन भी मैं ही था, तो मैं एडिटर भी मैं ही था, तो स्क्रिप्ट राइटर वो तो खैर आज भी मैं ही हूं, लेकिन वो मैं हर वो काम करता था जो जरूरी था, मुझे नहीं आता था तो भी मैंने सीखा। जब आप स्ट्रगलिंग डेज में होते हैं, जब आप अपनी जिंदगी में अपने करियर को फ्लरिश कर रहे होते हैं, फेलियर बार बार मिलता है, तो आप हर वो चीज सीख जाते हैं जो एक इंसान बहाने बनाता रहता है कि ये मुझे नहीं आता, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता। जब हालात बदलते हैं तो वो आपको सब कुछ सिखा देते हैं। परिस्थितियां इंसान को मल्टी टैलेंटेड बना देते हैं। मैं अपना पीए भी खुद ही था, मैं अपना असिस्टेंट भी खुद ही था, मैं अपना मार्केटिंग मैनेजर भी खुद ही था, मैं अपना ड्राइवर भी खुद ही था। एक टाइम पर मैंने हर वो काम किया है जो आज मेरी कंपनी में 10 लोग मिलकर करते हैं। लेकिन आज अगर मुझे जरूरत पड़े, किसी भी कारण से जरूरत पड़े, तो मैं हर वो काम खुद कर सकता हूं। मल्टी टैलेंट, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज के मास्टर हो जाते हैं। आपको हर चीज की नॉलेज मिल जाती है, आपको हर चीज का ज्ञान मिल जाता है। और अगर कम शब्दों में कहूं तो एक इंसान जो स्ट्रगल करता है, फेलियर देखता है और उससे घबराता नहीं, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। हाँ, आपको चीजों को आउटसोर्स करना पड़ता है, डेलीगेट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपके पास वो हुनर आ जाता है, और कभी जिंदगी में जरूरत पड़े तो आप उस हुनर का बहुत बेहतरी से, बहुत बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए जिस इंसान ने स्ट्रगल किया है वो दुनिया की हर वो चीज देख लेता है, सीख लेता है, करना आ जाता है कि अगर जिंदगी में कभी जरूरत पड़े तो वो सेल्फ डिपेंडेंसी के साथ हिलता नहीं, डटा खड़ा रहता है और किसी भी चीज को अचीव करता है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिच माइंडसेट। मैंने आपको बताया एक इंसान वैल्यू तो करने लगता है पैसे की, लेकिन जब वो स्ट्रगल देखता है, फेलियर्स देखता है, तो वो रिच माइंडसेट की तरफ जाता है। उसकी सोच बड़ी हो जाती है, अब वो एवरेज नहीं रहना चाहता, अब वो ये देखना बंद करता है कि मैं नंबर 1, 2 या 3 पर आ रहा हूं, अब वो यूनिक होना चाहता है, अब वो इनडिफरेंट होना चाहता है, अब वो जिंदगी को कॉन्कर करना चाहता है, अब वो 200, 400, 500 पर सेटल नहीं करना चाहता, अब उसकी सोच बड़ी हो जाती है। और बड़ी जिंदगी जीने के लिए, बड़ी सक्सेस के लिए बड़ी सोच का होना बहुत जरूरी है, वो तब आती है जब आप स्ट्रगल करते हैं। आप देखते हैं कि अभी कितनी ऊंचाइयां चढ़ना बाकी है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि एक रियलिटी चेक मिलता है, असली लोकेशन पता चलती है कि आज आप कहां हैं और कहां तक पहुंचना है। ड्रीम्स निकल कर ही तभी आते हैं, वो ड्रीम्स विजन में तब्दील ही तब होते हैं जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब आप फेलियर देखते हैं। तो सिर्फ रिच नहीं, आपको एक रिच माइंडसेट मिलता है जो आपको उस हायर कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर के जाता है, जो जिंदगी में हर चीज को आपकी झोली में डालने को तैयार बैठी है। यकीन मानना, आप अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बात बताना कि जब भी आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, हो सकता है आज आपके पास 2-4 पैसे की कमी हो सकता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं या किया है तो आप जानते होंगे कि कई बार फाइनेंशियल एस्पेक्ट से हम कम हो जाते हैं, लेकिन दिमाग रिच हो जाता है, दिमाग अमीर हो जाता है। जब मैं स्ट्रगल करता था तो लोग पूछते थे कि तुम बताओ तुमने क्या किया, तुमने क्या अचीव किया, तुम्हारे पास क्या है, कितने पैसे हैं, क्या क्या है, तो मैं बोलता था आज आंखों में देख लो, कल हाथों में देख लेना। ये जुनून डेवलप हो जाता है, दिमाग अब एवरेज मीडियोक्रिटी के बारे में नहीं सोचता, अब वो कॉन्कर करने के बारे में सोचता है। और ये रिच माइंडसेट कभी डेवलप नहीं होता जब किसी इंसान ने अगर स्ट्रगल नहीं किया, उसने फेलियर नहीं देखा, क्योंकि अब वो चाहता है कि वो निकल कर पहाड़ का सीना चीर कर निकले और लिमिटलेस हो जाए। ये लिमिटलेस होने का जुनून, ये रिच माइंडसेट सिर्फ स्ट्रगल और सिर्फ फेलियर से देखने को मिलता है। और जितने लोगों ने जिंदगी में कामयाबी को हासिल किया होगा स्ट्रगल और फेलियर देखने के बाद, आज उनके दिमाग अमीर हैं, वो लोगों की वैल्यू करना जानते हैं, रिलेशनशिप्स की वैल्यू करना जानते हैं, वो रिसोर्सेज की वैल्यू करना जानते हैं, पैसे के साथ साथ इन सब चीजों को भी इंपॉर्टेंस देना जानते हैं, और सबसे बड़ी बात वो इन सब चीजों की रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि अगर आपने किसी वाइज इंसान को देखना है तो ये देखो कि वो अपने से छोटे से कैसे बात करता है, छोटा उम्र में नहीं, छोटा डेजिग्नेशन में, छोटा औहदे में, कि जब वो अपने से छोटे औहदे वाले से बात करता है तो कैसे बात कर रहा है। और यकीन मानना, जिसने जिंदगी में स्ट्रगल किया है, फेलियर्स देखे हैं, ठोकरें खाई हैं, जब वो कामयाब होता है तो वो लोगों की रियल रिस्पेक्ट करता है। कहते हैं धीरू भाई अंबानी हर रोज अपने किसी ना किसी एम्प्लॉय के घर, जो बहुत छोटे एम्प्लॉय होते थे, उनके घर चले जाते थे चाय पीने और खाना खाने। वो उनके साथ ऐसे कनेक्टेड रहते थे कि रिलायंस इतनी बड़ी सुपर पावर जो बना, उसका सबसे मेन रूट बहुत से लोग मानते हैं कि धीरू भाई अंबानी के रिलेशनशिप्स थे लोगों के साथ। और वो ये रिलेशनशिप्स तब डेवलप कर पाए क्योंकि वो उनकी वैल्यू करते थे, वो जानते थे कि ये हर एक इंसान कितना ज्यादा जरूरी है मेरी जिंदगी में, क्योंकि सिर्फ अमीरी
जेब में नहीं थी, अमीरी दिमाग में थी। तो जब इंसान स्ट्रगल करता है, फेलियर्स देखता है, तो वो एक रिच माइंड सेट को हासिल करता है जो एक आम इंसान के बिल्कुल भी बस की बात नहीं है। तो अगर आपकी जिंदगी में स्ट्रगल रहा है तो यकीन मानना ये रिच माइंड सेट आपको उन बुलंदियों पर लेकर जाएगा जहां पर पहुंचने का आपने तसव्वुर किया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और हाँ सबसे जरूरी चीज कि इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत से लोग जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं और वो जान पाए कि ये स्ट्रगल, ये फेलियर्स उनको जिंदगी में क्या कुछ सिखाने वाले हैं और वो किन बुलंदियों तक पहुंचने वाले हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो ये दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।